एलोपैथी में देर इज नो मेडिकेशन फॉर सिस्ट, गांठ के लिए एलोपैथी में कोई दवा ही नहीं है। हमने सिस्टोग्रिड बना करके साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दिया कि सिस्टोग्रिड से सभी तरह की गांठ डिजोल्व होती है, चाहे ब्रेन में हो, चाहे सिर के ऊपर हो, स्कल के ऊपर हो, स्कल के नीचे हो, चाहे चेहरे पर हो, चाहे माथे पर हो, चाहे गर्दन में हो, हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, यूट्रस, ओवरी में, प्रोस्टेट में, कहीं पर भी गांठ है। एलोपैथी में इसके लिए कोई दवाई नहीं, एलोपैथी में पैस फिसर फिस्टूला के लिए कोई दवाई नहीं है। हमने अब बहुत रिसर्च करके जबरदस्त 100% इफेक्टिव दवा बवासीर के लिए, पैस फिसर फिस्टूला तीनों ठीक, दवाई का नाम है अर्शोग्रिट। अर्शोग्रिट हमने ये नया नामकरण किया, हमने नए शोध के साथ मेमोरी ग्रिट, आंखों के लिए आई ग्रिट, मेमोरी ग्रिट मस्तिष्क के लिए, कानों के लिए ईयर ग्रिट। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं आंखों के लिए, कान के लिए, आंखों के और कान की देखने और सुनने की शक्ति क्षीण हो जाए तो देर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस। हमने मैक्युलर डिजनरेशन को ठीक किया है, हमने जिनको दिखाई नहीं देता था उनको आई ग्रिट खिला करके उनकी दृष्टि को सबल बनाया है, और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और आंखों की तमाम बीमारियों को, जिनको सुनाई नहीं देता था उनके लिए ईयर ग्रिट ड्रॉप और बटी बनाई। इसलिए मैं कहता हूं पूरा मेडिकल सिस्टम, पूरी दुनिया के मेडिकल साइंटिस्ट, पूरी दुनिया का कि डॉक्टर, हॉस्पिटल और WHO नहीं कर पाया, वो सनातन धर्म के एक सन्यासी ने, एक आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने वो काम करके दिखाया।